तो ये है वाटर कलर लैंडस्केप। इसमें ब्रश्टो का जो वाटर कलर के लिए पेपर आता है, ब्रश्टो का पेपर यूज हम कर रहे हैं। आर्टिस्ट वाटर कलर है, कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर हैं, फ्लैट ब्रश है। और इसमें हमने पेपर को पहले गीला नहीं किया हुआ है, साथ ही गीला करते जा रहे हैं और जो है पेंटिंग करते जा रहे हैं, इस तरह का हमने इसमें किया है। आप चाहें तो पेपर को पहले गीला कर लें, वेट एंड वेट टेक्निक भी इसमें बहुत अच्छी काम आती है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार करें, जहां ज़रूरत है वहां कर लें, नहीं करें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। फ्लैट ब्रश यहां पे जो है बड़े काम की चीज़ है। छोटा ब्रश अगर आप लेंगे तो उतना अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। कोई छोटा ऑब्जेक्ट अगर बनाना होता है तो ही छोटा ब्रश लें, बाकी तो जो है बड़ा फ्लैट ब्रश यहाँ पर सबसे उचित रहेगा। ये पूरी पेंटिंग हमने मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बीच में बना ली थी, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा। ये बहुत जल्दी बनाई हुई पेंटिंग है और आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ये रियल टाइम है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है इस तरह की। इसमें अभी ये जो स्काई में और माउंटेन में जो हमने कलर यूज किया है वो कोबाल्ट और क्रिम्सन दो कलर यूज करे हैं, और यहाँ नीचे के जो माउंटेन या दूर के जो पेड़ हैं उनमें इन्हीं कलर के साथ में थोड़ा सा सैप ग्रीन ले लिया है, जिससे वनस्पति का पेड़ पौधों का भी आभास आए। यहाँ पर नीचे की तरफ जो अभी हम काम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा हमने सैप ग्रीन यूज किया है, कोबाल्ट ब्लू और क्रिम्सन के साथ में। और ये जब ऐसा कुछ नहीं है कि कितना कौन सा लिया है, ये करते करते अनुभव से अपने आप आ जाता है। जब आप करके देखेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ आ जाएगी कौन सा कलर कितना हमें लेना है। यहाँ पानी का बड़ा महत्व होता है, पानी हमने खूब लेना है। नीचे जो लैंड है, इस पर जो जमीन है, इस पर हमने सिर्फ सैप ग्रीन और के साथ में येलो ले लिया है, और अकेला सैप ग्रीन भी चल सकता है, लेकिन सैप ग्रीन के साथ में थोड़ा सा यहाँ येलो लिया है जिससे ये और लाइट हो गया। और यहाँ पर नीचे हमने जो है लगा दिया है प्लेन ही। अब यहाँ पर और ऊंचा नीचा दिखाने के लिए इसको हम और डार्क लाइट कर सकते हैं, दूसरे कलर को साथ में लेकर के। ये देखिए, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं हल्का सा रेडिश हमने ले लिया, यहाँ पर ब्लू और ग्रीन का और थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वही कोबाल्ट ब्लू, सैप ग्रीन और थोड़ा सा क्रिम्सन, इनसे ये दूर के पेड़ हम बना रहे हैं। यहाँ ये गीले में हम बनाएंगे तो अच्छे लगेंगे, सॉफ्टनेस आएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। पूरी तरह अगर सूखने के बाद बनाते हैं तो पेंटिंग में हार्डनेस आ जाती है, इसलिए कोशिश रहे इनको वेट इन वेट में ही काम किया जाए। यहाँ पे हमने ज़्यादा डार्क देने के लिए थोड़ा पर्शियन ब्लू भी सैप ग्रीन और रेड के साथ में लिया है, जिससे और थोड़ा सा डार्क कर सकें। आप करके देखिए, वाटर कलर लैंडस्केप में बहुत मज़ा आता है, वाटर कलर बहुत ईजी है। और सही बात बता दूँ, मैंने वाटर कलर में ये पहला लैंडस्केप मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी वाटर कलर में लैंडस्केप नहीं किया था। ये पहला लैंडस्केप है वाटर कलर का, तो करके देखा है, बहुत मुझे इजी लगा है। आप भी करके देखिए, बिल्कुल मज़ा आएगा। वाटर कलर तो एक एन्जॉय की चीज़ है, आप भी एन्जॉय करिए, क्योंकि इसमें परिणाम बहुत जल्द सामने होता है। आप ऑयल पेंटिंग में लगे रहते हैं, ऑयल पेंटिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वाटर कलर में आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी हमारा रिजल्ट हमारे सामने होता है, बहुत जल्दी पेंटिंग बन जाती है। ये नीचे नीचे सबसे नीचे, मतलब हम सबसे पास में कोई चीज़ बना रहे हैं, इसमें पर्सपेक्टिव का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी आप पेंटिंग करते हैं तो पर्सपेक्टिव एक पहली चीज़ होती है लैंडस्केप वगैरह में बनाने के लिए। तो ये पास वाले, सबसे पास वाले पेड़ हैं तो इनको और थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा। पीछे वाले बहुत ज़्यादा मिक्सिंग धुंधले इस तरह के, इनमें हल्का सा डिटेलिंग थोड़ा सा दी जाएगी, तो ये आपको लगेगा कि ये सबके सबसे पास वाले जो है पेड़ हैं। तो आप करके देखिए, सच में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। पहली बार ये लैंडस्केप मैंने किया वाटर कलर में। ऑयल कलर में मैं जनरली काम करता था, लेकिन इन दिनों वाटर कलर में काम कर रहा हूँ। वाटर कलर में बहुत सारे वीडियो आपके लिए हमने अपलोड किए हैं, जिसमें मेनली फ्लावर्स
जो है अब तक बनाए हैं वाटर कलर में, और ये पहला लैंडस्केप है हमारा। यहाँ वो ही जो हमने दूर वाले जो कलर हैं, पास वालों में हमने ब्लू और सैप ग्रीन ज़्यादा रखा है, इसमें रेड की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी है। रेड से कलर थोड़ा सा डल सा हो जाता है और ब्लू और ग्रीन से कलर की ब्राइटनेस आती है, जिससे लगे कि वो पास में है। अब ये दूर जो पेड़ हैं उनकी थोड़ी सी छाया हम दिखा रहे हैं, छाया और जो ज़मीन है इसको थोड़ा सा ऊंचा नीचा दिखाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। ये उसी के ये जो सामने लैंड जो बनाया है ग्रीन वाला, तो इसको थोड़ा सा ऊंचा नीचा इस तरह का दिखाने के हिसाब से इस तरह का कर रहे हैं। अब एक बीच में एक छोटा सा, क्योंकि खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ बना के देखते हैं कैसा लगता है। एक बीच में इस जगह पे बीचों बीच एक पेड़ ये लीजिए, और इसका शेडो भी बना देंगे, इसका तना बना के शेडो भी बना देंगे, तो ये थोड़ा सा पूरे लैंडस्केप में एक अलग लुक दे देगा, नहीं तो खाली खाली लग रहा था लैंडस्केप। और एक थोड़ा सा और इसमें, वैसे तो करने को तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हॉच पॉच भी ठीक नहीं है, बस ये इतना ही काफ़ी है इस तरह का। अब इनकी छाया वगैरह और थोड़ा सा कर दें जिससे और ये अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना सिंपल सा तरीका, बहुत इजीली एक बहुत बढ़िया सा लैंडस्केप आप देख रहे हैं आपके सामने, एक बहुत सिंपल सा लैंडस्केप बहुत जल्दी बना दिया है। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो सीधी सी बात है कि आप पेंटिंग में रुचि रखते हैं, आर्ट में रुचि रखते हैं, तो आप और पेंटिंग सीखने के लिए, अपने मनपसंद पेंटिंग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।